वेलकम टू माई अनदर वीडियोज फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप लोगों को। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी हम हैं मधुबनी एयरपोर्ट पर घूमने आए थे मॉर्निंग के वक्त में। तो आज मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी है कि मधुबनी जो है मिथिला मखाना के लिए काफ़ी फेमस है, यानी कि मधुबनी में मखाना का खेती बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर मखाना उद्योग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। और आप मेरे पीछे देखते होंगे कि एक लड़का जो है वहाँ पर मखाना का जो गुड़ी होता है, जो पोखर में से तालाब में से निकाला जाता है, उसको वहाँ पे वो सुखा रहे। तो अभी उनसे जानते हैं कि वो कैसे निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, फिर उसका क्या प्रोसेस है, तो उनसे भी जानते हैं। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और छोटा सा ब्लॉग हम लोग शुरू करते हैं। आपको पहले नज़दीक देख दिखाते हैं, देखिए। तो ये अभी जस्ट जो है तालाब से निकाल के लाए हैं और फिर इसको अभी सुखाएंगे। आपको छोटा सा दिखाते हैं, देखिए देखिए, तालाब से जो निकाले हैं तो यहाँ पे घोंघा सब भी इसमें आ गया है। तो इसको वही छांटेंगे, फिर हटाएंगे इसको, और फिर इस सूखने के बाद फिर आगे क्या होता है इसे इसी से जानेंगे। तो क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। अच्छा, तो ये अभी पोखर से निकाले हैं ना? तो फिर कैसे सूखेगा, कैसे क्या होता है, थोड़ा सा बताइए इधर देख के। इसको तो पहले 3 घंटा सुखाएंगे। अच्छा, उसके बाद इसको उठा के ले जाएंगे घर। हाँ। फिर क्वालिटी क्वालिटी के इसको छटाई करेंगे। अच्छा, छटाई करने के बाद इसको भूजेंगे आग पे। अच्छा, आग पे भूजने के बाद इसको फिर रख देंगे 3 रोज। हाँ, 3 रोज रखने के बाद फिर इसको थोड़ा जांचेंगे, थोड़ा थोड़ा लेकर के। फिर जांचला के बाद फिर इसको फोड़ेंगे। अच्छा, तो फोड़ने के बाद फिर कितना में कितना मखाना निकलता है? ये जैसे कि अभी 85 kg लाया हूँ, इसमें मुश्किल से सुखा करके 40-45 kg निकल जाएगा। अच्छा, पूरे इतना कम जाता है। अच्छा, तो फिर मखाना को कैसे बेचते हैं, कहाँ बेचते हैं? इसको तो सेल हम नहीं करते हैं। अच्छा, आप मतलब स्टाफ के हिसाब से काम करने आए ना? इसका रेट उठ है मालूम? अच्छा, कितना रेट है? 500, 550, 600 भी चलता है किलो। हाँ, केजी। अच्छा, क्वालिटी क्वालिटी पर ये भी बिकता है ना? अच्छा, जैसा क्वालिटी वैसा रेट। हाँ, हाँ। अच्छा, तो फिर इसको कहाँ कहाँ बेचते हैं आपके मालिक? ये मधुबनी में सेल होते हैं, कहीं कहीं भी। अच्छा, दूर दूर के बड़े बड़े व्यापारी लेते हैं? दूर दूर के पार्टी भी ले जाता है, जाता है। जैसे इधर हो गया, पुरेनिया हो गया, वैसे तो बिक जाता है मधुबनी में ये सब। अच्छा, तो आपका घर कहाँ पे है? मधुबनी आर के कॉलेज। अच्छा, तो आप रोड में। तो आप ये कितने दिनों तक ये काम चलता है, कब से कब तक चलता है? फिलहाल सावन में हम चालू किए थे इसको। अच्छा, अभी नवरात्रि आने वाला है, दुर्गा पूजा का। ये चलेगा कम से कम छठ पूजा तक। छठ पूजा तक चलते रहेगा? हाँ, 1-1.5 महीना अभी और चलेगा। तो इस सीजन में होता है ये काम ना? हाँ। तो फिर सीजन के बाद क्या करते हैं आप? सीजन के बाद वही जिधर एक बार तो गए थे हिमाचल, 7 साल हिमाचल में रहा। अच्छा, फिर इस बार आया तो बम्बई से आया। अच्छा, यहाँ पे। तो ये सब साल आप इस सीजन में आ जाते हैं काम करने ना? हाँ, फिर सीजन के बाद कहीं चल जाते हैं। अच्छा, तो ये क्या करते हैं मतलब? ये बराबर में बिछा रहा हूँ। तो ये बराबर रहता है तो बराबर सूखता है ना? जी। देख सकते हैं कितना बढ़िया से इसको पैर से इधर उधर कर रहे हैं, सरका रहे हैं ताकि ये अच्छे से सूखे। तो बहुत ये लंबा प्रोसेस है, बहुत मेहनत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस भाई साहब का बात सुना, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिथिला मखाना ज़रूर फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, और इसको GI टैग मिल चुका है, तो ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। मैं भी मिथिला का हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखने में कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। जय मिथिला, जय मैथिली, जय बिहार, जय हिंद।